नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सर्दियों में ठंड से बचने और शरीर को गर्म रखने के लिए हमें क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आने वाला है और इससे आपको ठंड भी लग सकती है। सर्दियों के दिनों में सिर्फ स्वेटर पहनने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने भोजन में ऐसी चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा जो आपको अंदर से गर्मी दे। आज हम आपको सर्दी से बचने और शरीर को गर्म रखने के लिए क्या खाना चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सर्दी के मौसम में ठंड को दूर भगाने और शरीर को अंदरूनी रूप से गर्म रखने के लिए क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ों के सेवन से सर्दी के अंदर से गर्म रहा जा सकता है और सर्दी से बचने के लिए इन आहारों की आप मदद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में। ऐसे में सबसे पहली चीज़ आती है हल्दी। अगर आप ठंड के मौसम में बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं तो हल्दी का सेवन आपको ज़रूर करना है। इसलिए आप दूध में हल्दी मिलाकर पकाएं और पिए। इस हल्दी वाले दूध को रात को सोने से एक घंटा पहले या फिर दिन में कभी भी आप पी सकते हैं। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और सर्दी से थोड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है अनार। अनार में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जो आपको बुखार कम करने में मदद करते हैं और आपको सर्दी से बचाते हैं। अनार को खाने से खून साफ होता है और धमनियों की ब्लॉकेज को खोला जा सकता है। इसके अलावा जाड़ों के दिनों में तिल का सेवन करने से शरीर को एनर्जी मिलती है। तिल के तेल से मालिश करने से ठंड से बचाव होता है। तिल और मिश्री का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी, जुकाम और खांसी ठीक होती है। इसके अलावा अगली चीज़ है दालचीनी। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी को भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। दालचीनी स्वाद में मीठी और शरीर को एक नई गर्मी देने वाली होती है। दालचीनी शरीर में गर्मी पैदा करती है जो आपको ठंड से लड़ने में काफ़ी मदद करती है। दालचीनी को आप खाना बनाने के अलावा चाय कॉफ़ी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर को खाने से भी आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है जिससे सर्दियों के मौसम में आपको ठंड नहीं लगेगी। सर्दियों के दिनों में गाजर का हलवा ज़रूर खाना चाहिए। इससे एक तो आपको सर्दी से बचाव होगा, दूसरी शरीर को अंदरूनी रूप से गर्मी भी मिलेगी और आपकी सेक्स लाइफ भी अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, हरी मिर्च को खाने से भी शरीर में गर्मी पैदा होती है। अगर इसका तीखापन शरीर का तापमान बढ़ाने में आपकी मदद जरूर कर सकता है, इसलिए ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए हरी मिर्च को भी आप खा सकते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें। इसके अलावा अंडा, मीट और चिकन खाने से भी शरीर में गर्मी बनी रहती है, इसलिए ठंड लगने से बचने के लिए आप अंडे का, मीट का भी इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। मछली खाने से शरीर को ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, इससे शरीर को गर्मी मिलती है। इसमें जिंक भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपको सर्दी लगने से बचाता है। दोस्तों, इसके अलावा शहद, जब भी आपकी खांसी या जुकाम होता है, एक चम्मच शहद खाने की आपको सलाह दी जाती है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का एक नेचुरल तरीका होता है। सर्दियों के दिनों में शहद को खाने से आपको सर्दी लगने से बच सकती है। शहद एक नेचुरल स्वीटनर माना जाता है। आप चीनी की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद आपकी कैलोरी को भी कम करने में मदद करता है। सर्दी से बचने के लिए और शरीर को गर्म रखने के लिए सर्दियों में शहद को भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा खट्टे फलों का आप सेवन कर सकते हैं। खट्टे फलों में विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये शरीर को गर्म बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा खट्टे फलों को खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ता है। ज़्यादातर आप सर्दियों में बादाम भी खा सकते हैं। बादाम खाने से दिमाग का विकास होता है और याददाश्त अच्छी बनी रहती है। लेकिन सर्दियों में बादाम खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है और सर्दी से बचाव भी हो सकता है। इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो हमें सर्दियों में होने वाले स्किन प्रॉब्लम से बचाता है। इसके अलावा आप लौंग का सेवन कर सकते हैं, प्याज का सेवन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ठंड से बचने के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स का जरूर सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप अखरोट, मूंगफली, बादाम आदि को खा सकते हैं। यह विटामिन और फाइबर से भरपूर होता है जो आपको गर्मी प्रदान करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मूंगफली, अमरूद, बाजरा, मेथी की सब्जी और अदरक, गुड़ आदि का सेवन भी आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो चीज़ें जिनका आप सर्दियों में सेवन कर सकते हैं सर्दियों से बचने के लिए और सर्दियों से बचाव के लिए। ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।